दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के शक की सुई लगातार घूमती जा रही है। कल तक आप सांसद संजय सिंह गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के दूसरे नेताओं को भी दाल में काला नजर आने लगा है। आपके इसी शक को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी ईवीएम का बचाव करती नजर आ रही है। दिल्ली के सियासी दंगल के नतीजों को सामने आने में अब 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। कल सुबह 8 बजे से ही ईवीएम की पेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी और उन पेटियों में से किसी एक पार्टी के लिए सत्ता की चाबी निकल कर आएगी। लेकिन उससे पहले ईवीएम शक के घेरे में आ गई है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पहरेदारी पर लगा दिया है। चुनाव आयोग के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात किया हुआ है। आपका आरोप है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करा सकती है। पार्टी की तरफ से कुछ वीडियो भी साझा किए गए हैं, जिसमें ईवीएम कहीं और जगह पर मिले हैं। ईवीएम को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि बीजेपी पर हमेशा शक रहा है, इसीलिए 24 घंटे से ईवीएम की सुरक्षा हम खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कैमरा लेकर खड़े हैं। सत्येंद्र जैन से पहले सांसद संजय सिंह ने भी ईवीएम को शक की निगाहों से देखा था। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। सिंह ने कहा था कि ये बाबरपुर के शांति निकेतन का वीडियो है, यहाँ लोगों ने अधिकारी को ईवीएम के साथ पकड़ा है। इसी तरह की जानकारी पूर्वी दिल्ली के शाहदरा और विश्वास नगर से मिली है। इसी वीडियो के साथ उन्होंने सवाल उठाया था कि ईवीएम सील करके सीधे स्ट्रांग रूम में भेजी जाती है, फिर अधिकारियों को वो ईवीएम कैसे मिली। ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। इन्हीं आरोपों पर बीजेपी तिलमिला उठी और उसे सीधा जनता के सम्मान से जोड़ दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरह के सवाल खड़े कर दिल्ली की जनता का अपमान कर रही है। अब ईवीएम को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ शक है तो दूसरी तरफ सम्मान, लेकिन देखना होगा कि इस घमासान के बीच कौन बनता है दिल्ली का सुल्तान। डीबी लाइव की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के नतीजे 11 फरवरी सुबह 7 बजे से लाइव हमारे साथ।